जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिससे लिए स्टार्ट करते हैं। बाद नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये नए भारत की तारीखी फतह का दिन है। क्या कमेंट करेंगे? कमेंट क्या है, देखो पहली बात तो ये है कि आपने कहा ना पड़ोसी मुल्क, हम साया माँ जाया होता है, और हमारे यहाँ तो बेशुमार जाते हैं। पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अगर मैं गिनवाऊँ। हो रहा है, लेकिन इंडिया एक बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया है। ओवरऑल कहा जा रहा है कि 30 मिलियन आईफोन जो है वो पिछले साल इंडिया के अंदर असेंबल किए गए। 30 मिलियन उनका रकबा, उनकी जो है इकोनॉमी, वो हमसे बेस्ट है। तो इकोनॉमी बेस्ट करनी पड़ती है ना भाई। कैसे बेस्ट हुई है? हमारा जो है गवर्नमेंट सिस्टम ही ऐसा है कि वो स्टडी को इतना जो है स्टडी पे बजट ही नहीं लगा रहा। तो हम क्या सब इंडिया क्यों पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेज रहा है और सर्विलेंस कर रहा है? और पाकिस्तान अब वो सुने ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया, छोटा सा ड्रोन था वो आ गया, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, लेकिन इंडिया ड्रोन भेज रहा है। इससे आपको लगता है कोई डिस्टेबिलाइजेशन हो सकती है? और ये जो एक्शन है इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने बड़े महंगे ड्रोन खरीदे हैं और वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कर रहा है, इस पे भी कुछ थोड़ा कमेंट करें कि ये क्यों साथ आप इंडिया पहले नहीं, पहले तो आप कंफर्म करेंगे वाकई ड्रोन था या कोई कबूतर था जिसको आपने मार लिए? जो ओरिजिनली हिंदू थे या सिख्स थे, एक पड़ोसी के थे, वहां जाया होता है, पड़ोसी के हकूक। साहबा क्या करते थे कि हमें तो यहाँ तक गुमान गुजरा के पड़ोसी का जायदाद में हिस्सा हुजूर ना रखते हैं। तो मुझे खुशी होती है, हमने सदियां इकट्ठे गुजारी हैं। ये इंतहा पसंदी, बीमार दिमागों का नहीं, आई एम वेरी हैप्पी इंडिया एंड अ शॉक फॉर चाइना। और ये जो मैस लेवल पे जो प्रोडक्शन है नए आईफोन की, वो शुरू हो चुकी है, जिसमें पर्टिकुलरली जो प्रो सीरीज हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हाई एंड हैंड बस की शब को हम देख रहे हैं कि 6 मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीकों से अटैक किए गए। कहीं शनाख्त करके टारगेट किया गया, और कहीं जो पुलिस चौकियां हैं, थाने हैं, उनको टारगेट किया गया। फिर मुख्तलिफ शाहराओं पे भी हमने देखा, कहीं रेलवे लाइन उड़ा दी गई, चाहे कहीं जला दिए गए, गाड़ियाँ जला दी गई। एक मैसेज दिया गया खौफ का, दहशत का, कि इंडिया को बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कहा जा रहा है। एक दिन के अंदर 1 बिलियनियर पैदा कर रहा है टोटल। अगर मैं आपको बात बताऊं, इस साल के अंदर इंडिया ने जो प्रोड्यूस किए हैं 334 बिलियनियर पैदा किए हैं। आपने नीचे से किसी वट्टे से मारा है वो, किस चीज से मारा है आपने? वो ड्रोन था, वो इंडिया ने खुद मांगे ड्रोन हमसे, वो उन्होंने कहा हमारा ड्रोन वापस करो, हमने क्या आसानी देना। और वो भी चाइना का बनया होना, प्लास्टिक देखो खड़ौना होना, कोई बच्चा उड़ा रहा होना अमृतसर के कोल सरकार। मैं तो लगता है गुड्डी चाड़ी सी किसी बंदे ने परले पास वट्टे वुट्टे मार के पार देती थी। की रह गए हम जो के जिंदा कौम है। अच्छा, तो जो हम हैं, हम तो कब से चांद पे रिहायश पजीर हैं, ये तो चांद पे पहुंचे हैं। सब इंडिया क्यों पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेज रहा है और सर्विलेंस कर रहा है? और पाकिस्तान अब वो सुने ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया, छोटा सा ड्रोन था वो आ गया, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, लेकिन इंडिया ड्रोन भेज रहा है। इससे आपको लगता है कोई डिस्टेबिलाइजेशन हो सकती है? और ये जो एक्शन है इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने बड़े महंगे ड्रोन खरीदे हैं और वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कर रहा है, इस पे भी कुछ थोड़ा कमेंट करें कि पहले तो आप कंफर्म करेंगे वाकई ड्रोन था या कोई कबूतर था जिसको आपने मार लिए, और आपने किससे मारा है? आपने नीचे से किसी वट्टे से मारा है वो, किस चीज से मारा है आपने? वो ड्रोन था, वो इंडिया ने खुद मांगे ड्रोन हमसे, वो उन्होंने कहा हमारा ड्रोन वापस करो, हमने क्या आसानी देना। और वो भी चाइना का बनया होना, प्लास्टिक देखो खड़ौना होना, कोई बच्चा उड़ा रहा होना अमृतसर के कोल सरकार। मैं तो लगता है कोई गुड्डी चाड़ी सी किसी बंदे ने परले पास तुसा वट्टे वुट्टे मार के पार दी थी, उन्होंने जो ड्रोन फाड़ लिया था। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत अगर देखा जाए तो पता नहीं क्या बात है, मैं क्या वजह है कि why we are not moving forward, what is stopping us, I have no clue, what is stopping us to move forward। उसमें खैर जो मेरा एक अपनी पर्सनल असेसमेंट है,
कि जो देखिए माजी के अंदर तो भारत के साथ आपके जो चीजें थी वो तो कारोबार था, चीजें थी उसपे हमारा एक गैरिजन स्टेट थी, चीजें थी उसपे हमें फंडिंग चाहिए होती थी शुरू से। खैर पहले से दिन से ही आपने कहा था कि हमारी ज्यादा फौज का हिस्सा भारत के पास रह गया है, फैक्ट्रियां सारी उधर रह गई हैं और बहुत बड़ा कंट्री है उसे हमें उससे खतरा है। अब लेकिन 21st सेंचुरी में खतरा किससे हो रहा था, आज किससे खतरा हो रहा? हाँ, और दूसरा सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, अब लोग आपकी इकॉनमी को इकॉनमी के जरिए आपको वेपनाइज कर देते हैं, आपको आपको चीजें आपकी करेंसी को डिवेल्यू कर दिया जाता है। और खैर आपको तो वो इशू नहीं है, लेकिन ये कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस जो है इस वक्त मेरे ख्याल में जंगे नहीं करती, इकोनॉमिकली आपको बैंकरप्ट कर देती है, लेकिन आप पे वो फिट नहीं पड़ता। लेकिन चीमा साहब व्हाई वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद द ट्रेड। एंड देखिए एक सबसे बड़ी मिसाल है कि चाइना का 2 लाख उनका फौजी खड़ा है बॉर्डर, लेकिन भारत इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर विद द ट्रेड। आप ट्रेड क्यों नहीं करते, मेरी मुझे समझ से बात, आप क्यों रुके हैं उस चीज पे? हालांकि आपकी जरूरत है, इस वक्त अंदर से आवाजें आ रही हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इंडिया इज नॉट लिसनिंग। दूसरी साइड पे वो भी उन्हें भी पॉलिटिकल करेक्टनेस चाहिए होती है हर चीज में, तो इस वक्त लेकिन दिस इज अ नीड ऑफ पाकिस्तान इंडिया, नॉट विद ओनली इंडिया विद अदर नेबर्स। दो दिन पहले हार्वर्ड के बच्चे पाकिस्तान आए हुए थे और वो वजीर आजम से मिलके गए। आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों के बच्चों को पाकिस्तान के बारे में इन्फॉर्म कर रही है, दिस इज अ गुड वे कि पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग की जा सके? आपको लगता है ये एक अच्छा कदम है? आर्मी चीफ से भी मिले थे लेकिन वजीर आजम ने भी उनसे खिताब किया था सर। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजीर आजम साहब से मिले हो तो डायलॉग क्या हो, क्या बात है कि हार्वर्ड तो वेरी लोग बड़े हाईएस्ट नंबर होते हैं। वजीर आजम साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरे मोहतरम मुर्शिद साहब ने फरमाया है कि उन्होंने कैरियर लगेज अपना बंद कर लिया, जबान सदे हम पर है कि वजीर यह हुकूमत इस वक्त दो में जगह ले रहा है। इन सर्कमस्टांसिस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्या बताया होगा वजीर आजम साहब? लंदन आना के सबले काफी इकट्ठे पिए हैं, एक गल कहती होनी ना, फिर मैं पूछना चाहता हूँ फिर क्या पूछा होगा, क्या डायलॉग हुआ होगा कि IMF के लिए कोई अच्छा सा पैकेज, IMF से पैकेज लेने के लिए कोई अच्छी सी तरकीब बताएं, आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी से एप्लीकेशन ही लिख के दे रहे हो यार, IMF ने गल कर ली, ये गल की थी उन्होंने। व्हाट यू हैव, आपने किस, मैं कहना मेनू कन्विंस कर लो यार, तुम हार्वर्ड से बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे आए होने, मेनू कन्विंस करो यार पाकिस्तान आदर कारोबार करिए, पाकिस्तान की तरक्की वास्ते कुछ करिए, कन्विंस में। मैं सारा दिन पाकिस्तान की खबरें पढ़ता हूँ, सारा दिन आपके साउथ एशिया के ऊपर तवज्जो है, आज भी मैं सारा दिन चाइना की चीजें डिस्कस कर रहा था कि कोविड के बाद किस तरह वहां से CEO सारे अपनी कंपनियां लेके भाग रहे हैं, और उसके बाद ताइवान के आसपास जो घेरा डाला है, हाउ चाइना इज सफरिंग एंड वहां की रियल स्टेट इंडस्ट्री किस तरह ताले लगे पड़े, वहां जिन्होंने तरक्की करके देख ली, आपने तो वो प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। तो इस वक्त तो आप अगर देखा जाए तो दुनिया तो वैसे ही ओवरऑल इकॉनमी स्लगेश है हर जगह पे, अब 5 नवंबर की वजह से वैसे इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स रुक चुके हैं। आज आप लेबनान के हालात देख लें, 200 मिसाइल उन्होंने। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने का, लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।